तो गाइस मेरी क्रश से मुझे मिले हुए 2 साल हो चुके हैं यार। अभी तक उसको कुछ भी नहीं पता मेरी फीलिंग्स के बारे में, बट आज मैं उसको कुछ बताने वाला हूँ अपनी फीलिंग्स के बारे में। बट एक प्रॉब्लम है यार, जब भी मैं उससे मिलता हूँ मेरी ना सिचुएशन ऐसी हो जाती है। हाँ ठीक है, नहीं तो ऐसे में कैसे पता चलेगा उसे? बट मैं आज कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो उसे पता भी चल जाए और मेरी फटे भी ना। तो जो ऐसा तो मैं सिर्फ एक ही तरीके से कर सकता हूँ। तो आगे मैं अपनी डेवलपर वाली सीट पे और यहाँ पे करते हैं डेवलपर मोड ऑन। स्पेक्स मैंने डाल लिए हैं, अब चलते हैं अपने स्क्रीन पे और स्क्रीन पे शुरू करते हैं अपना काम धाम। तो यार सबसे पहले अगर तुमने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया है तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लो। और वे कैसे करेंगे? आपको सीधा सीधा गूगल पे जाना है और लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल। जब आप ऐसे लिखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप सबसे पहली वाली लिंक है विंडोज के लिए, मैक के लिए जो भी करना है कर लीजिए। तो मैंने मैक के लिए डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा। और सबसे पहले यहाँ पे जाके मैं एक न्यू फोल्डर बना लूंगा जिसको नाम दे दूंगा मैं क्रश। ठीक है, अब क्रश को मैं फोल्डर को ओपन कर लूंगा विद विजुअल स्टूडियो कोड। और ये फोल्डर ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं अपनी 3 फाइलें बना लूंगा। और पहली फाइल का नाम होगा अपनी हमारी प्यारी सबकी दुलारी index.html, उसके बाद style.css और उसके बाद हमारी script.js। ठीक है, अब इन दोनों फाइल्स को हम लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा मैं html5 और लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लिंक कर लेते हैं अपनी स्टाइल शीट यूजिंग लिंक कमांड, यूजिंग लिंक टैग, सॉरी लिंक rel स्टाइल शीट href शुड बी style.css एंड आई गेस इट शुड वर्क। और बॉडी के नीचे हम लिंक कर लेते हैं अपनी स्क्रिप्ट source script.js। तो यार एक चीज की कमी लग रही है, थोड़ा सा आइडिया सा नहीं आ रहा। ओह कॉफी तो बनाई नहीं हमने, कॉफी बनानी पड़ेगी यार। तो कॉफी बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद कुछ सोचते हैं कि कैसे हम इंप्रेस कर सकते हैं उसको। तो गाइस कॉफी हमारी रेडी हो चुकी और इसको पीते हैं, शायद कोई आइडिया आ जाए। तो गाइस मेरे को आइडिया आ चुका है और आइडिया बिकॉज ये है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो आइडिया बेसिकली ये है, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिव एंड HTML जिसके अंदर कुछ पेपर्स ऐसे स्टैक्स में रखे होंगे एक के ऊपर एक, जिनके ऊपर मैसेजेस होंगे और वो ऐसे यहाँ से ड्रैग करके चेक कर सकती है कि मतलब क्या लिखा हुआ है मैंने। तो इस आइडिया को बनाने वाले हम अपने डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ड्रैगिंग पेपर्स। तो अब आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 div विद सेम क्लास नेम। तो आई विल गिव इट क्लास नेम पेपर एंड हिट टैब। और मैं 2 div बनाने वाला हूँ सेम एज इट इज टैब। तो 2 div बना चुका हूँ और ये मुझे प्रीव्यू इसका शो करना है। तो आपको प्रीव्यू शो करने के लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल कर लेना है लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन तुम लोग इंस्टॉल कर लो, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो मैं लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल है मैंने कर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, उसके बाद अपने index.html में जाऊंगा, यहाँ पे दोनों div बना लूंगा और इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए और यहाँ पे जो एक आइकन है सर्च और कुछ ऐसा आइकन है शो प्रीव्यू वाला आइकन, उसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे शो होने लगेगा। तो अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं शो हो रहा। तो मैं इन दोनों div को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनके अंदर एक इनलाइन स्टाइल ले लूंगा जो कि इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करेगा। एक का नाम रख देते हैं रेड और दूसरे का नाम रख देते हैं ब्लू। ये ब्लू हो चुका है, फिर भी अभी हमें कुछ भी प्रीव्यू के अंदर शो नहीं हो रहा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यार आप जब भी डिव क्रिएट करते हो तो आपको उसको हाइट और विड्थ डिफाइन करना होता है। स्टाइल में जाके इसका हाइट और विड्थ पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा सा 100 पिक्सल फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो जैसे ही मैंने ये किया देखो मुझे मेरे डिव जो है दोनों शो होने लग गए। इतना ही काम करना था HTML में, अब CSS पार्ट में आता हूं। एक काम करता हूं, सबसे पहले बॉडी में मैं बॉडी की हाइट दे दूं 100 वर्टिकल हाइट VH। डिस्प्ले इसको मैं फ्लेक्स कर देता हूं। सारे जो आइटम्स हैं इन्हें मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूं और जस्टिफाई कंटेंट भी मैं इसे सेंटर में कर देता हूं। तो ये हो गया हमारे बॉडी का पार्ट। अब डॉट पेपर में जाके तो पेपर क्लास में मैं इसे थोड़ा बॉर्डर दे देता हूं। तो 1 पिक्सल थोड़ा मजा नहीं आ रहा, इसको 5 पिक्सल कर देता हूं और इन बॉडी का कलर ना थोड़ा ब्लैक कर देता हूं। ये हमारे जो थे डिव मैंने उनको ऐसे कर दिया है। अभी भी एक चीज कमी है, मुझे अपने जो डिव्स हैं उनको एक के ऊपर एक रखना है। तो ऐसे करने के लिए मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा जिसका नाम है पोजिशन प्रॉपर्टी और इनकी पोजिशन को मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। तो जैसे ही मैंने किया दोनों मेरे डिव एक के ऊपर एक आ चुके हैं। मैं तुम्हें अभी मेरा ब्लू वाला जो बॉक्स है वो ऊपर दिख रहा है, बट अगर मैं चाहता हूँ मैं रेड वाला पर शो तो मैं क्या करूंगा, रेड वाले जो डिव है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा दैट इज जेड इंडेक्स। और जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को मैं जब डिफाइन करूंगा 1 जैसे लिखूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा।
तो जेड इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए जीरो बाय डिफॉल्ट होता है, बट जिसकी ज्यादा जेड इंडेक्स वैल्यू होगी वो आपको ऊपर शो होगा इन HTML। यहाँ पे दूसरे वाले में जेड इंडेक्स जाके इसको मैं इससे ज्यादा कर देता हूँ, यहाँ पे आके अगर मैं इसे 2 कर देता हूँ तो ये अब ऊपर शो होने लगेगा, ठीक है। अगर 1 करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट भाई, तो जितनी ज्यादा जेड इंडेक्स वैल्यू उतना टॉप पे आपका एलिमेंट होगा। तो अभी ऐसे समझ लो हमारे एलिमेंट एक के ऊपर एक है और दोनों का जेड इंडेक्स मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं। तो इतना करने के बाद यार अब मैं चाहता हूँ तुम लोग ना कुछ इवेंट इमेजिन करो, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप हम करते कैसे, और पेन और ये देखो ये हमारा माउस होता है, तो हम ड्रैग करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं यूजिंग दिस क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और जब एलिमेंट सेलेक्ट हो जाता है हम उसे मूव करते हैं और जहां पे भी हमें उसे ड्रॉप करना होता है हम उसे रिलीज कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये पूरे ड्रैग एंड ड्रॉप का जो इवेंट है ना वो तुम याद रखो अपने दिमाग में और रट्टा मार लो, क्योंकि हम ना इसी इवेंट को यूज करके जावास्क्रिप्ट बनाने वाले हैं, और ना जावास्क्रिप्ट ना काफी आसान है अगर तुम उसे इमेजिन कर सको। तो मैंने इसलिए तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट शो करके दिखाया ताकि तुम्हें पता रहे कि यार हाँ हो करने क्या वाला, तो काफी आसान है। अब चलो अपने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम होगा पेपर। अब इस क्लास के अंदर मैं एक इनिट मेथड बता लिख देता हूँ, जो एक मेथड है जिसके अंदर ये तीनों इवेंट जो हमने किया ना वो होंगे, बट उससे पहले इतना लिखने के बाद मैं अपने जावास्क्रिप्ट को कुछ बोलने वाला हूँ जो मेरे लिए वो करेगा। जावास्क्रिप्ट में बोलूंगा हेलो जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट में से मैं बोलूंगा भाई डॉक्यूमेंट में से सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लो यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर ऑल जिसकी क्लास पेपर है, ठीक है। तो इतना करने के बाद वो क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैंने क्लास पेपर लिखा है उनको सिलेक्ट कर लेगा। अब हमने वहां पे मल्टीपल एलिमेंट्स लिए हैं है ना, तो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हमें इससे एरे बनाना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा जावास्क्रिप्ट इनमें इन सबसे एलिमेंट से एक एरे बना लो, तो एरे भी बना लिया उसने क्योंकि वहां पे मल्टीपल एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स हैं हमारे, ध्यान रखना। तो और इन सब पूरे एलिमेंट को ये पूरे एरे को पूरे लिस्ट को एक कॉन्स्टेंट ले लो पेपर्स उसमें स्टोर कर लो। तो जावास्क्रिप्ट बोला ठीक है मैं कर लूंगा, जैसे तुम बोलोगे वैसा मैं करूंगा भैया, ठीक है। इतना करने के बाद मैं बोलूंगा भाई पेपर्स फोर इच, जितने भी उसमें एलिमेंट्स है, फोर इच मेथड होता है हर एक एलिमेंट के लिए, जितने भी उसमें एलिमेंट है उस सिंगल एलिमेंट को बोलो पेपर, और उसके और सिंगल हर एक सिंगल एलिमेंट के लिए एक एक ऑब्जेक्ट बना पेपर क्लास का, जो हमने पेपर क्लास लिया है उसका ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। और इसमें जो उसका इनिट मेथड हर पेपर क्लास के लिए जो इसका इनिट मेथड है उसे कॉल कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, अब मुझे देखना पड़ेगा क्या एरर है। ओके यहाँ पे हमने फोर इच मेथड ठीक नहीं लगाया, तो यहाँ पे हम इक्वल टू और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे इनिट मेथड को हर एक सिंगल पेपर के लिए इनिट मेथड को बुलाओ, और इनिट मेथड में क्या आपको वो पेपर एक सिंगल पेपर पास करना पड़ेगा जो भी सिलेक्टेड है, ताकि हमको पता चले कौन सा पेपर के ऊपर हमें इनिट मेथड रन करना है। तो इतना करने के बाद हम चलते हैं अपनी क्लास के अंदर और तीनों इवेंट को डिफाइन करते हैं माउस वाली, ठीक है। तो अब हम उन तीनों इवेंट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और सबसे पहला इवेंट मैं ऐड कर, तो सबसे पहला इवेंट हम क्या ऐड करने वाले, जब हमारे माउस का बटन ये वाला बटन जब प्रेस हो इसको बोलते हैं माउस डाउन इवेंट। अब देखो माउस डाउन इवेंट कहाँ, अब आपको इवेंट का प्लेसमेंट ध्यान रखना कि कहाँ पे आप इवेंट लगाओगे। तो यार देखो माउस डाउन तो अगर मैं इस एरिया की बात करूँ पूरे एरिया की तो यहाँ पे भी माउस डाउन इवेंट कर सकता हूँ, बट क्या वो ड्रैगेबल ड्रॉपेबल होगा, क्योंकि मुझे इस एलिमेंट को ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, राइट। तो सिर्फ माउस डाउन इवेंट कहाँ पे काम करना चाहिए, इस पेपर के ऊपर काम करना चाहिए, इस एलिमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। तो हमारा एलिमेंट हमने पास किया था, जो सिलेक्टेड एलिमेंट था वो यहाँ पे पास हुआ था पेपर के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा पेपर के ऊपर एड इवेंट लिस्ट लिस्ट, ठीक है। मैं लिस्टनर बोलता हूँ ताकि मुझे स्पेलिंग याद रहे, ठीक है। अब लिस्टनर मैंने लगा दिया, अब उसके बाद आपको डिफाइन करना होता कौन सा इवेंट, तो दैट इज माउस डाउन इवेंट, तो आप लिखोगे माउस डाउन इवेंट, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उस इवेंट के लिए आप एक वेरिएबल लेते हो और उस इवेंट के अंदर आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे कोड होंगे, तो मैं एक बार चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा लेता हूँ जिसका नाम होगा माउस इज सेलेक्टेड द पेपर एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने ये अलर्ट लगा लिया ताकि मुझे पता चले कि ये एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है। अभी लाइव प्रीव्यू में ये चेक नहीं हो सकता, तो मैं अब इसे अपने
लाइव सर्वर में ऑन करूंगा, जिसके लिए आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट इज लाइव सर्वर बाय ऋत्विक दे। तो ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पे आके लाइव सर्वर को ऑन करता हूँ। लाइव सर्वर मैंने ऑन कर दिया, मेरा ब्राउजर खुल गया, और जब मैं पेपर के बाहर एक बार सेलेक्ट करके देखता हूँ, कुछ भी नहीं। अब पेपर के ऊपर अगर मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ, तो देखो हमारा इवेंट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो दैट इज आवर फर्स्ट इवेंट माउस डाउन इवेंट। दूसरा हम क्या करते थे, माउस मूव करते थे। अब माउस मूव हम कहाँ पे करेंगे, ये पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं ना, इसको पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाऊंगा, जो हमारा पूरा पूरा का पूरा HTML का डॉक्यूमेंट है। तो उसके करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा, डॉट एड इवेंट लिस्टनर डॉट, और इसके बाद इवेंट का नाम माउस मूव, ठीक है, और इसके बाद ई फॉर इवेंट, उस इवेंट का नाम, और इसके अंदर फिर से एक अलर्ट लगा दूं, अलर्ट नहीं, इसके बाद मैं कंसोल लॉग लगाऊंगा, और कंसोल लॉग क्या करता है, हमारे जो भी हरकत है उसे प्रिंट करता है, और यहाँ पे लिखूंगा माउस इज मूविंग। दैट इज आवर सेकंड इवेंट ड्रैग एंड ड्रॉप का, ठीक है। इसे मैं फिर से लाइव सर्वर में जाके चेक कर लेता हूँ, इट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्ट करने के बाद जब मैं कंसोल पे जाता हूँ, तो मुझे एक कंसोल लॉग दिखता है दैट माउस इज मूविंग। अब जितनी बार मैं माउस मूव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो हमारा माउस मूव हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट इवेंट मुझे डिफाइन करना है, थर्ड और लास्ट इवेंट, दैट इज माउस का जब हम बटन ये वाला छोड़ देते हैं, तो हम कहाँ छोड़ेंगे। अब यार उसकी भी प्लेसमेंट आपको देखना जरूरी है, आप डॉक्यूमेंट के ऊपर भी लगा सकते हो, बट इन केस अगर वो विंडो के बाहर चला जाता है, मेरी जो क्रश है वो विंडो के बाहर चली जाती है, यहाँ पे जाके शो करती है, तो तब भी उसे होना चाहिए डॉक्यूमेंट के अगर वो बाहर चले गए। अभी मैं डॉक्यूमेंट में हूँ, अगर मैं इधर चला जाता हूँ, अभी मैं डॉक्यूमेंट के बाहर हूँ, तो हल्का सा भी अगर तुम्हारी मिस्टेक हुई ना, तो तुम्हारी क्रश तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। तो ध्यान रखना प्लेसमेंट का, इवेंट्स का कहाँ पे लगाना है। तो मैं इसे विंडो पे लगाऊंगा, पूरी विंडो पे, पूरी जो ब्राउजर की विंडो होगी ना, कहीं पे भी वो छोड़ेगी तो वहां पे लगाऊंगा। विंडो एड इवेंट लिस्टनर, और इस इवेंट का नाम दूंगा माउस अप। क्यों? क्योंकि वो माउस को छोड़ रही है। माउस अप देने के बाद इसके मैं यहाँ पे कॉमा, उस वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कंसोल अलर्ट कर देता हूँ, अलर्ट ज्यादा अच्छा रहेगा, माउस बटन इज रिलीज्ड, ठीक। अब मैंने इसे करा, अब अपने सर्वर में वापस जाता हूँ, और एक बार यहाँ पे देखता हूँ, तो मैंने किया अबाउट मतलब प्रेस, ये किया ओके, और रिलीज का नहीं आया, तो यहाँ पे रिलीज के दोनों अलर्ट एक साइड हो गए। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, कंसोल डॉट फाइन। इसको मैं जाता हूँ अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट पे, देखता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने अपने कंसोल को ओपन किया, अब माउस इज मूविंग, माउस इज मूविंग, माउस इज सेलेक्टेड, और इसे भी कंसोल लॉग कर देते हैं, तो कंसोल में इसका शो, सारे आउटपुट मैंने कंसोल लॉग में कर दिए हैं। अब मेरा आउटपुट सारा तीनों टॉप एंड कंसोल, तभी माउस मूव हो रहा है, हमारा माउस मूव इवेंट परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब माउस प्रेस किया, माउस बटन, अब देखो मैंने प्रेस किया तो ये आया, अब प्रेस करके मैं छोड़ रहा हूँ तो मेरे पास माउस बटन इज रिलीज आया। तो हमारे तीनों इवेंट्स परफेक्टली वर्किंग है। अब मैं चाहता हूँ इस एलिमेंट की जो पोजिशन है वो चेंज हो, जब सेलेक्ट करने के बाद हो, जब सेलेक्ट कर ले और जहां पे भी माउस जाए उसके पीछे पीछे ये जो डिव है ये फॉलो करे, ये पेपर हमारा एलिमेंट फॉलो करे। तो उसके लिए चलो कोड लिखते हैं। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट को बनाने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे, तो वो वेरिएबल मैं क्लास के ऊपर जाके डिफाइन कर देता हूँ, और इस वेरिएबल को पहले देता हूँ लेट हाईएस्ट z इज इक्वल टू। तो बेसिकली ये z इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल मैंने बनाया है, और इसकी वैल्यू अभी मैंने 1 दी है। तुम देखोगे आगे कि मैंने इसको कैसे यूज किया है। उसके बाद अपने पेपर वाली क्लास में कुछ और वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा जो इस एनिमेशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करे। तो सबसे पहले मैं दूंगा होल्डिंग पेपर। होल्डिंग पेपर ये एक ऐसा वेरिएबल है जो मुझे बताएगा मैंने पेपर को होल्ड किया या नहीं। अभी इनिशियली ये होल्डिंग पेपर फॉल्स रहेगा, क्यों? क्योंकि जब इनिशियल पेज लोड होगा तो कोई भी बटन क्लिक नहीं है, तो पेपर होल्ड जो होगा वो फॉल्स होगा, कि मतलब अभी उसने कोई सा भी पेपर होल्ड नहीं कर रखा, ठीक है। उसके बाद मैं एक दो पोजीशंस के कोऑर्डिनेट, पोजीशंस के वेरिएबल बनाऊंगा, जो एक होगा प्रीवियस माउस एक्स, जिसकी वैल्यू अभी स्टार्टिंग में जीरो होगी। इसका मतलब है जो प्रीवियस माउस पोजिशन है डिफॉल्ट वैल्यू अभी इसकी जीरो है, और इसकी भी जीरो है। तो ये बेसिकली पोजिशन के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि माउस की पुरानी पोजिशन को बताएंगे, ठीक है। आगे मैं इनको यूज करने वाला हूँ तो तुम्हें बेटर क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद एक बनाऊंगा जो कि करंट पोजिशन बताएंगे माउस की, और दूसरा बताएंगे इसके वाई के कोऑर्डिनेट। तो
हर पोजीशन के दो कोऑर्डिनेट होते हैं पूरी हमारी विंडो में, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, इसलिए मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, प्रीवियस माउस एक्स, प्रीवियस माउस वाई, एंड करंट पोजीशन के लिए माउस एक्स एंड माउस वाई, राइट। उसके बाद मैं एक वेलोसिटी एक्स का बनाऊंगा वेरिएबल, जो कि हमें इस एनिमेशन की वेलोसिटी को डिफाइन करने में हेल्प करेगा कि कितनी स्पीड से जो वेलोसिटी है वो एनिमेशन है वो होना चाहिए, और एक वेलोसिटी वाई जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू अभी होगी सी, और एक करंट पेपर एक्स जो कि हमारे पेपर का पोजीशन को बताएगा, करंट पेपर जो हमारे पेपर के करंट जो नए पोजीशन है उसे बताएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स बस हमें डिफाइन करने हैं, और उसके बाद इतने वेरिएबल्स डिफाइन करने के बाद चले आते हैं अपने माउस, सबसे पहले इवेंट क्या करेंगे, माउस को प्रेस करेंगे तो माउस डाउन इवेंट। तो यहाँ पे माउस डाउन इवेंट में जाने के बाद इस कंसोल लॉग को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमें पता है ये एलिमेंट परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने इस इवेंट में सबसे पहले होल्डिंग पेपर को ट्रू करूंगा। कैसे, दिस मैं लिखूंगा, दिस इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है, दिस, और उस वेरिएबल का नाम क्या है, होल्डिंग पेपर। तो इस क्लास के अंदर जो होल्डिंग पेपर वेरिएबल है उसे मैं जाता हूँ ट्रू हो जाए, कब, जब मेरा माउस इवेंट जब प्रेस हो। तो अभी मेरा होल्डिंग पेपर इवेंट जो है ट्रू हो चुका है। अब मैं इसके बाद अब क्या करने वाला हूँ, जैसे ही होल्डिंग पेपर ट्रू हो जाएगा, जैसे ही मेरा ये पेपर करंट पेपर सेलेक्ट होगा, मैं चाहता हूँ उसकी जो जेड इंडेक्स वैल्यू वो अपडेट हो जाए और उसकी वैल्यू नीचे वाले पेपर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो मैं कहूँगा पेपर डॉट स्टाइल जेड इंडेक्स इज इक्वल टू हाइएस्ट जेड, ठीक है, और उसके बाद इस हाइएस्ट जेड की वैल्यू मैं इंक्रीज कर दूंगा बाय वन, हाईएस्ट वैल्यू इसकी इंक्रीज कर दी बाय वन, ठीक है। तो मतलब अभी वन थी तो इसकी वैल्यू अब टू हो जाएगी इसको अपडेट करने के बाद, ठीक है, इस वेरिएबल की, फाइन। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि अरे मेरा माउस का जो बटन है वो लेफ्ट बटन क्लिक है या कोई और बटन क्लिक है, तो मैं चाहता हूँ लेफ्ट बटन पे हो। तो इफ इवेंट एंड उसका बटन होगा ई डॉट बटन, इवेंट का जो बटन है जो अभी बटन चल रहा है इज इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट क्लिक होता है जीरो, बीच वाला स्क्रॉल होता है वन, और जो राइट क्लिक होता है उसके लिए होता है टू। तो मैं चाहता हूँ जब ऐसा हो तो दिस इस क्लास का जो प्रीवियस माउस की पोजीशन है वो हो जाए करंट माउस की, ठीक है। अभी जो करंट जहाँ पे भी माउस बटन क्लिक हुआ है वो उसकी प्रीवियस माउस पोजीशन बन जाए, प्रीवियस माउस वाई इज इक्वल टू दिस डॉट माउस वाई, फाइन, ठीक है। तो मैं इसको चेक करने के लिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग previous mouse x की position dot log this previous mouse y, fine। और इतना करने के बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स जो जाके यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करूंगा और यहाँ पे मार्जिन रेड वाले बॉक्स को मार्जिन टॉप दे दूंगा 50 पिक्सल, ताकि हम z इंडेक्स चेक कर सके z इंडेक्स वर्क कर रहा है या नहीं। मान शिफ्ट क्यू कैंसिल, इसको डिसेबल करता हूँ। अब देखो जब मैं रेड वाले पे क्लिक करूंगा रेड वाला ऊपर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने जेड इंडेक्स इसकी बढ़ा दिया। अब ब्लू वाला करूंगा ब्लू वाला ऊपर आ जाएगा, तो वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। और माउस की जो पोजीशन है वो भी शो हो रही है 0 0, क्योंकि इसकी एक करंट माउस की पोजीशन है जहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना क्लियर है, अब चलते हैं अपने माउस मूव इवेंट को अपडेट करते हैं, क्योंकि सारा जो काम होगा ना, जो भी एनिमेशन एनिमेट करेगा और पोजीशन को जो चेंज करेगा वो माउस मूव इवेंट करेगा, क्योंकि उसी इवेंट में हमारा जो माउस है वो मूव हो रहा है। तो चलो माउस मूव इवेंट को, तो गाइस अब हम माउस डाउन इवेंट को कंप्लीट कर चुके हैं और माउस डाउन इवेंट काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब माउस मूव इवेंट पे आते हैं, और यहाँ पे उस पे आने से पहले हम लोग जो मार्जिन टॉप हमने यहाँ पे लगाया था उसे कर देते हैं। अब हमारे जो एलिमेंट्स है बिल्कुल एक के ऊपर एक स्टैक कंप्लीटेड है। अब मैं वापस से स्क्रिप्ट पे जाऊंगा और अपने माउस मूव इवेंट पे आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले जो इस इवेंट का जो करंट माउस की पोजीशन है वो सेलेक्ट करूंगा। तो मैं इस क्लास का जो माउस एक्स वेरिएबल है जो अभी करंट माउस की पोजीशन होल्ड करता है उसमें मैं उसकी करंट माउस पोजीशन को स्टोर कर दूंगा। कैसे, इस इवेंट के क्लाइंट एक्स मेथड से, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये मेथड क्या करता है, ये बेसिकली जो भी क्लाइंट का विंडो साइज है उसका जो एक्स माउस का कोऑर्डिनेट है वो शो करता है। तो हर एक डिवाइस का विंडो साइज अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स भी अलग होते हैं। तो मैं उसका एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट दोनों इस करंट पोजीशन में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो ई डॉट क्लाइंट का वाई पोजीशन, अब जो कोऑर्डिनेट्स है वो स्टोर हो चुके हैं,
अब इसके बाद मैं फाइंड करने वाला हूँ एनिमेशन की वेलोसिटी। तो दिस वेलोसिटी एक्स, अब जो भी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव होने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस माउस एक्स की जो करेंट पोजिशन है माइनस कर देंगे दिस डॉट प्रीवियस माउस एक्स की पोजिशन जो हमने स्टोर करी थी किसमें, यहाँ पे हमने अपडेट किया था माउस डाउन इवेंट में, प्रीवियस माउस और माउस एक्स का पोजिशन हमने कैलकुलेट करके स्टोर किया था। अब उसी को उसी से हम लोग इसकी एनिमेशन की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, कितनी तेज जो है ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, एनिमेशन होना चाहिए। तो दोनों निकाल लेते हैं, वेलोसिटी वाई वेलोसिटी एक्स, दिस डॉट माउस वाई माइनस दिस डॉट वाई, एंड दिस हम कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके, जब क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ना तो हम दिस क्लास का कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो दिस यूज करते हैं, ठीक है। अब इस क्लास का ये वेलोसिटी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमने जो हमारा माउस डाउन इवेंट था वहां पे हमने होल्डिंग पेपर ट्रू किया था, तो जब ये एलिमेंट तभी मूव होना चाहिए जब होल्डिंग पेपर ट्रू हो। तो मैं यहाँ पे पहले एक चेक कर लेता हूँ, इफ दिस डॉट होल्डिंग पेपर इज ट्रू तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू चेक करेगा, ठीक है, इफ इट ट्रू तो हमारी एनिमेशन होनी चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, करेंट पोजिशन फाइंड आउट कर लेंगे जो पेपर का होने वाला है, जहां तक जहां पे वो एलिमेंट अब ड्रैग होके जाने वाला है। तो दिस करेंट पेपर एक्स प्लस एन इक्वल टू दिस वेलोसिटी, तो हमारा न्यू पोजिशन आ चुका है, एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है, वाई कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं, दिस करेंट पेपर वाई की पोजिशन प्लस इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी वाई, ठीक है। अब जहां पे भी हमारा एलिमेंट जाएगा वो हमारी अब प्रीवियस माउस की पोजिशन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जरूरी है, क्यों, ताकि हमें हमारे प्रोग्राम को पता रहे कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है हमें एलिमेंट को, नहीं तो वो इधर उधर घुमाने लग जाएगा, तो ठीक है। तो दिस डॉट प्रीवियस माउस की पोजिशन क्या कर सकते हैं, दिस डॉट माउस एक्स जो भी है माउस की नई पोजिशन होगी, उसके बाद दिस डॉट प्रीवियस वाई की पोजिशन इज इक्वल टू दिस डॉट माउस वाई, ठीक है, इतना कर दिया। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं हमारे एलिमेंट को, तो हमारे एलिमेंट था पेपर एलिमेंट जो सेलेक्टेड था डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू हमें ट्रांसलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे और लगाएंगे बैकस्ट्रिक का साइन, लिखेंगे ट्रांसलेट ट्रांसलेट एक्स, और इसमें हमारा जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल कौन सा, दिस डॉट करेंट जो पोजिशन होने वाली है अब, और लास्ट में फिक्स फाइन स्पेस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेट वाई, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल और उसकी वैल्यू होगी दिस डॉट करेंट पेपर वाई और लास्ट में सेल्स फाइन सेमीकोलन, और आई होप ये काम करना चाहिए, तो एक बार इसे रन करके देखते हैं, बूम। सो फाइन, हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट परफेक्टली वर्क कर रहा है, बट अभी तुम देख पा रहे हो अगर मैंने माउस छोड़ भी दिया है तो तब भी ये अभी इसके साथ ही साथ घूम रहा है जहां घूमना चाहिए जहां घूमना चाहिए। तो यार हम क्या करेंगे, अब हम माउस अप इवेंट में जाएंगे और सीधा सीधा कर देंगे दिस डॉट होल्डिंग पेपर इज इक्वल टू फॉल्स, जब हमारा बटन छूट जाए रिलीज हो जाए माउस अप हो जाए तो हमें इसको फॉल्स करना पड़ेगा। तो मैंने सेव कर दिया इसको, अब एक बार रन करके और छोड़ दिया, तो अब ये नई पोजीशन हो गई फाइन। तो यहाँ से भी मूव कर दे छोड़ दिया, अब कैसे भी हम लोग मूव कर सकते हैं, ये हो गया हमारा। तो हमारा कोड का लॉजिक अप्रोक्स कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग जैसे चाहे इसको वैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारा आइडिया था बेसिकली हमें पेपर की फॉर्म में उस पर पिक्चर्स एंड कुछ सुंदर सुंदर से वो लगाना था, तो फटाफट इसको थोड़ा सा चेंज कर देते लाल और ब्लैक, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था। तो सबसे पहले मैं इसे ब्लैक बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है, और इनके कलर्स को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से स्टाइल को हटा देता हूँ, दिया इसे भी हटा दिया, और इस बैग हमारे बॉडी के बैकग्राउंड कलर को भी हटा दिया। नाइस, तो हमारे पास दो बॉक्सेस आ चुके हैं जो कि एक के ऊपर ड्रैगेबल हैं, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं। अब मैं इसमें जितने चाहे उतने बॉक्सेस ऐड कर सकता हूँ बाय जस्ट एडिंग न्यू पेपर ऑफ डिप ऑफ सेम। तो मैंने यहाँ पे चार डिप बना दिए, अब देखो यहाँ पे मुझे चार डिप मिले। तो इस तरीके से तुम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करके ये इफेक्ट को बना सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, कुछ वो पेपर वाला इफेक्ट जो था वो लेके आऊंगा और इसको कंप्लीट करके फटाफट अपनी क्रश को सेंड करूंगा और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। तो ये इफेक्ट को अचीव करने के लिए मैं एक इमेजेस का फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर मेरी सारी डिजायर्ड इमेजेस होंगी, और उसके बाद बॉडी में जाके मैं बैकग्राउंड इमेज उसका चेंज कर दूंगा।
बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो उसकी साइजिंग और पोजिशनिंग कर लूँगा और उसे सेंटर में फिक्स कर दूंगा। फिर पेपर का जो हमारा डिव है उसके अंदर में भी मैं एक इमेज डाल दूंगा और इमेज बिल्कुल पेजेस जैसा लग रहा होगा। ये इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखा है और तुम चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा जो भी इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। और तुम्हें अगर अपनी इमेजेस यूज़ करनी है तो बस तुम्हें यही करना है, सेम नेम से आपको अपनी इमेजेस को रिप्लेस कर देना है और उसी फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर में डाल देना है। उसके बाद मैं अपने डिव क्लास को कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा, जैसे पेपर हार्ड, पेपर इमेज, उन डिव्स के लिए जिसके अंदर इमेजेस होंगी, और उसके अंदर पैराग्राफ में अपना मैं मैसेज लिखाऊँ जो भी मुझे मैसेज लिख के शो कराना है। तो मैंने यहाँ पे मैसेजेस लिख दिए सारे के सारे और ये काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूँगा ड्रैग करना, क्योंकि लड़कियों का पैर थोड़ा सा, मतलब लड़कियों का दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो मैं इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा भाई कैसे यूज़ करना है। उसके बाद सब कुछ जाने के बाद मैं अपना गूगल फॉन्ट्स में जाके एक फॉन्ट सर्च कर लूँगा जिसका नाम है ज़ियाडा। ज़ियाडा फॉन्ट बिल्कुल हैंडराइटिंग जैसा लगता है और उसे लगना चाहिए जैसे मैंने हैंडराइटिंग में लिखा है, और इसे जाके मैं सेलेक्ट कर लूँगा और CSS में जाके इंपोर्ट कर लूँगा, स्टाइल टैग हटा दूँगा और ये हमारा फॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद फॉन्ट फैमिली में मैं इसे पैराग्राफ में डाल दूँगा और हमारा फॉन्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से चेंज हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा इफेक्ट अभी तक। उसके बाद जो भी मेरे अलग अलग डिव्स थे उनको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लूँगा, जैसे मैं हार्ट वाले को चाहता हूँ कि वो राउंड हो, तो उसे भी मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लूँगा। स्टाइल करने के बाद अब अपने पेपर एक एक करके मैं सारे के सारे डिव्स को डिज़ाइन कर लेता हूँ। हार्ट वाले को मैंने बॉर्डर रेडियस 50% ताकि वो राउंड सर्कल में हो जाए। इमेजेस वाले जितने भी डिव्स थे उनको मैंने पैडिंग दी 10 पिक्सल और उनके पैराग्राफ का फॉन्ट साइज मैंने 30 पिक्सल कर दिया और इमेज की हाइट और विड्थ डिफाइन कर दी कि 200 पिक्सल होगा मैक्सिमम हाइट और विड्थ 100% होनी चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट होना चाहिए पेपर हमारा जो हार्ट वाला डिव है उसके ऊपर, तो हार्ट वाले डिव के अंदर मैंने अपना हार्ट वाला इमेज शो कर दिया ताकि उसे भी ये शो हो जाए। और उसके बाद थोड़ी सी पोजिशनिंग कर लेते हैं, सेंटर कर दिया, ठीक है फाइन। और पैराग्राफ का फॉन्ट और पैराग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, स्टाइल कर देते हैं और उसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। और इतना करने के बाद हमारा इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर पा रहा हूँ। अब अपनी जाके पेपर इमेज वाले डिव के अंदर मैं इमेज सोर्स डिफाइन कर देता हूँ और सारी इमेजेस शो हो रही है और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर पा रहा हूँ। तो लगभग ये हमारा इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है और आपको सारा कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम चाहते हो उसे डाउनलोड करना, जाके डाउनलोड कर लो और खुद के लिए बना लो। IO में साइन इन करने के बाद आपको सीधा जाना है यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको HTML टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने जो भी कोड बनाया वो HTML टेम्पलेट में बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे जो भी मेरी पहले से ऑलरेडी कुछ फाइल्स बनी हुई है उसे मैं डिलीट कर लेता हूँ और अपनी जो करेंट फाइल्स है उन्हें अपलोड कर दूंगा। तो मैंने सारी फाइल्स डिलीट कर लिया, इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा और यहाँ पे जाके अपनी जो फाइल्स है वो मैं जाके अपलोड कर देता हूँ। तो मेरा जो है वो डेस्कटॉप फोल्डर में है क्रश नाम से और यहाँ पे मैंने 3 फाइल्स बनाई हैं, तीनों को मैं अपलोड कर देता हूँ। तो तीनों फाइल्स जो है अपलोड हो चुकी है और एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस नाम से जिसके अंदर मेरी इमेजेस जाने वाली है और इसी के अंदर जाके मैं अपनी इमेजेस को अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ इमेजेस जो है मेरी अपलोड हो रही हैं और तुम बहुत जल्दी है ना तुम्हें जानने की मेरी क्रश कौन है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी क्रश कौन है इस वीडियो में। उससे पहले मैं सारी फाइल्स को अपलोड कर देता हूं और उसके रिप्लाई का वेट करते हैं, देखते हैं क्या वो रिप्लाई कर पाएगी या नहीं। तो मेरी जो फाइल्स है वो अपलोड हो रही हैं और अपलोडिंग। इतनी लंबी इमेजेस भी नहीं थी भाई जो इतना टाइम लग रहा है, लगता है मेरे नेटवर्क स्लो है। तो मेरी इमेजेस भी अपलोड हो चुकी है, मेरी इंडेक्स फाइल भी अपलोड हो चुकी है, मेरी GS फाइल भी अपलोड हो चुकी है, मेरी सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, लेट्स चेक इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो बिल्कुल एज इट इज जैसा हमने बनाया था वैसा ही इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे जाऊँगा मैं ऊपर से ये जो URL है इसे कॉपी कर लूँगा और अपनी क्रश के पास जाता हूँ तो मैं दिखाता हूँ मेरी क्रश दिखती कैसी है। तो मेरी क्रश जो है वो इंस्टाग्राम पे है मेरे, तो इंस्टाग्राम पे जाके मैं सर्च कर लेता हूँ और ये मेरी दूसरी क्रश है लीजा एम। तो उसका नाम है जीसू और जीसू उसका नाम है, उस बहुत प्यारा नाम है और उसके 72 मिलियन फॉलोवर्स हैं और मैं उसको 2 साल से जानता हूँ
और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे दिल की बहुत करीब है, पर वो मेरे को रिप्लाई नहीं देती, मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तो मैं उसे लिंक करूँगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और सेंड कर दूंगा, देखते हैं वो रिप्लाई करती है नहीं। क्या मतलब वो रिप्लाई नहीं करेगी है? क्या मतलब, क्या मतलब तुम्हारी, तुम उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? कोई बात नहीं भाई, तुम भी बनाओ, तुम भी सेंड करो अपनी क्रश को और देखो कि वो रिप्लाई करती है नहीं। अगर कर देती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं करती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बस मेरे लिए प्रे करना कि मुझे ही रिप्लाई कर दे, और बस इतना ही। दिस इज योर बॉय डेवलपर राहुल साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर वो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे लिए प्रे करो। बाय बाय।